हाय, मेरा नाम नरेंद्र कौर है। मैं आज महिला सशक्तिकरण के दिन सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। महिलाएं जीवन के हर पहलू में पुरुषों के बराबर हैं। बलिदान, प्रेम और करुणा उसे परिभाषित करती है। कभी माँ, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में और कभी एक अजनबी के रूप में। फिर भी हमें अपनी भावनाओं को पूरा बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। अंदर ही अंदर हम दबा के रखते हैं। जब हमें अपनी भावनाओं से डिस्कनेक्ट किया जाता है, तब हम खुल के नहीं जी पाते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्टेड हैं, कि उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या एक आवाज़ वाली महिला एक मजबूत महिला है? क्या आप उनमें से एक हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का पासपोर्ट आपके हाथ में होता है। आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी खुशी खुद महसूस कर सकते हैं, खुद लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। आपको और आपके ड्रीम्स को कोई रोक नहीं सकता अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं। ये सब आपसे ही शुरू होता है। हम परिवर्तन कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। नेता बनना है, नेता बन सकते हैं। चेंज मेकर बनना है, चेंज मेकर बन सकते हैं। हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए कोई जादू की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अंदर ज़रूरत की सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। कभी कभी हम सभी की ज़रूरतों को पूरा करते करते हम अपने आप को सर्वाइवर मोड में ले आते हैं, हम थक जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। पर हमें वो रास्ता या मार्गदर्शक या शिक्षक की ज़रूरत होती है कभी कभी ज़िंदगी में, आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए। तो मेरे लिए एक महिला जिसमें आत्मसम्मान है, जिसके अंदर उसको विश्वास है अपने ऊपर, जो बिना शर्त के अपने आप से प्यार करती है, वो सबसे उत्तम श्रेणी में है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो एक महिला चाहती क्या है? एक महिला स्वतंत्रता चाहती है। वह स्वस्थ आत्मसम्मान चाहती है। वह अपना अस्तित्व चाहती है। वह अपनी पहचान चाहती है। वह अपनी भावना को पहचानना चाहती है। उसके साथ संबंध चाहती है, अपनी अंतरात्मा के साथ। वह सुरक्षा चाहती है। उसे महत्व देना चाहती है। उसे देखना और देखते ही उसकी ज़रूरत जो है उसको पूरा करना चाहती है। तो एक महिला की आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरी है? हमें सब कुछ कहने के लिए, करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम यह जानना भूल जाते हैं कि हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना आत्मसम्मान क्या है। आपको अपनी खुद के अस्तित्व, खुद की पहचान, अपने ट्रू पोटेंशियल, अपनी अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। क्या आपने वही आंसू वापस झपकाए और अंदर ले लिए और सोचा कि ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं होगी और इसके साथ ही मैं जी लूँगी और ज़िंदगी में बस जो मन में है वो नहीं पूरा करूँगी? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप खुद में असहाय महसूस मत करिए, खुद में आप में इतनी ताकत है और आपके पास आपकी वास्तविक पहचान को जानने की क्षमता है, तो आप अपने आप को उसमें ढालेंगे, खुद को स्वीकार करेंगे, दुनिया को अपनी पहचान बताएंगे। इसी के साथ आज महिला सशक्तिकरण के दिन मैं आप सभी को श्रद्धांजलि करती हूँ कि आप महिलाओं में, हम सब में बहुत ताकत होती है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए, अपने आप को जागरूक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।